दोस्तों, जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे चांद की सतह पर मौजूद लैंडर विक्रम से संपर्क साधने की उम्मीद कम होती जा रही है। हालांकि इसरो के ऑर्बिटर द्वारा भेजे गए लैंडर की थर्मल इमेज के जरिए इसकी पोजीशन का पता जरूर लगा गया है। बहरहाल उम्मीद अभी भी बरकरार है। दोस्तों, गौरतलब है कि 6 से 7 सितंबर लैंडर विक्रम को चांद की सतह पर चांद की दो क्रेटर्स मेजनिस सी और सिंपिलियस एन के बीच वाले मैदान में लगभग 70 डिग्री दक्षिणी पर उतारा था। इन दोनों के बीच की दूरी लगभग 45 किलोमीटर है, लेकिन सतह छूने से 2 किमी पहले ही ये अपने मार्ग से भटक गया और इसका संपर्क इसरो के मिशन कंट्रोल रूम से टूट गया। दोस्तों, 9 सितंबर को ऑर्बिट ने ना सिर्फ लैंडर विक्रम की पोजीशन का पता लगाया बल्कि उसकी थर्मल इमेज भी खींची थी। बहरहाल दोस्तों, नासा ने भी विक्रम को खोजने में सहायता करने की बात कही है। दोस्तों, आपको बता दें कि चांद पर लैंडिंग को लेकर इस साल अब तक 2 मिशन गए थे, जिनमें भारत के अलावा एक चीन का भी था। चीन का चेंज 4 प्रूफ थी जनवरी 2019 को चांद की धरती पर सफलतापूर्वक उतरा था। चीन की इस लैंडर का मॉडल काफी कुछ भारत के विक्रम से मिलता जुलता था। गौरतलब है कि चेंज 4 प्रूफ भी चांद की उस हिस्से में उतरा था जहां आज तक कोई नहीं पहुंचा। चांद का यह हिस्सा भी साउथ पोल में ही आता है। लेकिन यदि दोस्तों भारत के विक्रम लैंडर और चीन की चेंज 4 प्रूफ की लैंडिंग एरिया के बीच की दूरी की बात करें तो ये काफी है। गौरतलब है कि चीन का चेंज 4 प्रोब एटिकन बेसिन पर उतरा था, जिसका डायमीटर करीब 103 किमी है। इसकी आउटर रिम को धरती से भी देखा जा सकता है। इसके बीच बना बेसिन चांद का सबसे गहरा बेसिन है। आपको बता दें कि चीन का यह लैंडर भारत की विक्रम से करीब 1134.574 की दूरी पर है। मई 2018 में चीन ने QUI के नाम से एक रिले सेटेलाइट लॉन्च किया था। यही सेटेलाइट चेंज 4 के संपर्क में है और इससे मिली जानकारी पृथ्वी पर भेज रहा है। यह सेटेलाइट चाइनीज लूनर एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम के तहत लॉन्च की गई थी। दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि 16 जुलाई 1969 को अपोलो 11 ने चांद की धरती को पहली बार छुआ था। इसी दौरान पहली बार मानव के कदम चांद की धरती पर पड़े थे। अपोलो 11 जिस जगह पर उतरा था उसको मारे ट्रैंक्यूलाइटिस के नाम से जाना जाता है। चांद की धरती पर उतरे नील आर्मस्ट्रांग ने वहीं पर अमेरिका का झंडा लगाया था। जिस जगह पर भारत का विक्रम लैंडर चांद की सतह पर उतरा है वो जगह इससे 970 किमी दूरी पर है। दोस्तों, आप लोग को बता दें, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो चंद्रयान 2 की लैंडर विक्रम से संपर्क को लेकर अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का सहयोग मिल रहा है। नासा ने कहा है कि वो इसरो के साथ चंद्रमा की उस जगह की तस्वीर शेयर करेगा जहां 7 सितंबर सुबह विक्रम लैंडर ने हार्ड लैंडिंग की थी। नासा चंद्रयान 2 के लैंडर विक्रम की लैंडिंग से पहले और बाद की तस्वीर को इसरो के साथ शेयर करेगा। इससे विक्रम को लेकर किया जा रहे अध्ययन में मदद मिलेगी। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी भी विक्रम लैंडर के साथ संचार को फिर से स्थापित करने का प्रयास कर रही है, जिसने 7 सितंबर से कोई संकेत प्रेरित नहीं किया है। नासा ने चांद की सतह पर गतिहीन परे विक्रम लैंडर से संपर्क स्थापित करने के लिए उससे हेलो का संदेश भेजा है। अपने डीप स्पेस ग्राउंड स्टेशन नेटवर्क के जरिए नासा की जेट प्रोपल्शन लेबोरेटोरी ने लैंडर के साथ संपर्क स्थापित करने के लिए विक्रम को एक रेडियो फ्रिक्वेंसी भेजी है। नासा के एक सूत्र ने इस बात का पुष्टि की है। विक्रम से संपर्क स्थापित होने की उम्मीदें दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। 14 पृथ्वी दिवस के बाद 20 और 21 सितंबर को जब चंद्रमा पर रात होगी तब विक्रम में दोबारा संपर्क स्थापित करने की सारी उम्मीदें खत्म हो जाएगी। एक अन्य अंतरिक्ष यात्री स्कॉट टेली ने भी इस बात की पुष्टि की है कि नासा के कैलिफोर्निया स्थित DSN स्टेशन ने लैंडर को रेडियो फ्रिक्वेंसी भेजी है। टेली उस समय चर्चा में आए थे जब उन्होंने 2005 में गुम हुए नासा के एक जासूसी उपग्रह का पता लगाया था। लैंडर को सिग्नल भेजने पर चांद रेडियो रिफ्लेक्टर के तौर पर कार्य करता है और इस सिग्नल के छोटा सा हिस्से को वापस धरती पर भेजता है, जिसे 8 लाख किलोमीटर की यात्रा के बाद डिटेक्ट किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये कुछ दिन मतलब 20 और 21 तारीख तक इसरो विक्रम के साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश करेगा और इसरो के साथ नासा ने भी हेल्प करने की बात कही है। तो दोस्तों, अभी के लिए वीडियो यहाँ पर खत्म करते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और ऐसे इंटरेस्टिंग और अपडेट न्यूज़ के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते रहिए। तब तक के लिए सुस्त रहे, सलामत रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।